हेलो फ्रेंड्स, मैं रीना और आज हम बात करने वाले हैं पैरों में दिखने वाले कुछ ऐसे संकेतों के बारे में जिसके द्वारा हम आसानी से यह पता कर सकते हैं कि जो हमारी किडनी है, जिसको हम गुर्दा कहते हैं, वो अच्छे से काम कर रहा है या फिर नहीं कर रहा है। बहुत बार आपने देखा होगा कि लोगों को पैरों में सूजन की समस्या हो जाती है, तो डॉक्टर अक्सर कह देते हैं कि ये खून की कमी की वजह से हो रही है, या फिर आपका जो लीवर है वो अच्छे से काम नहीं कर रहा है, या फिर आपकी जो किडनी है वो अच्छे से काम नहीं कर रही है। तो पैरों में सूजन होने के बहुत सारे कारण हैं, लेकिन इसके अलावा अगर शरीर में कुछ और ऐसे लक्षण हैं जो सिर्फ और सिर्फ पैरों में दिखते हैं, तो इसके आधार पर हम ये कह सकते हैं कि जो हमारी किडनी है वो अच्छे से काम नहीं कर पा रही है, इस वजह से ये समस्याएं हो रही हैं। तो मैं रंजना और स्वागत है आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल रंजना राव नर्सिंग में। तो जब बात हमारे शरीर के सबसे जरूरी अंग की आती है, तो बहुत लोग जो किडनी होती है उसको जरूरी अंग नहीं मानते। क्यों? क्योंकि संख्या में दो होती है। वहीं पर अगर हम लीवर की बात करें, हार्ट की बात करें, तो ये सब क्या है, ये संख्या में एक है, इसीलिए इस पर ज्यादा लोग ध्यान नहीं देते हैं जब तक कि उनको किसी भी तरह की दिक्कत ना हो तब तक। लेकिन वहीं पे जब दिक्कतें शुरू होती हैं तो उस दौरान फिर वो डॉक्टर के पास जाते हैं, फिर डॉक्टर डायग्नोस करते हैं कि आपको किडनी से संबंधित समस्या हो गई है, आपको ये जांचें करवानी चाहिए। और जब व्यक्ति जांच करवाता है तब पता चलता है कि उसको दिक्कत हो गई है। लेकिन अगर हम शुरुआत में कुछ लक्षण होते हैं जिनको पहचान लें, तो आसानी से जो क्रिटिकल कंडीशन है उससे हम बच सकते हैं। क्योंकि किडनी की जो समस्या होती है ये नॉर्मल नहीं बल्कि गंभीर भी हो सकती है अगर हम इसको समय रहते नहीं पहचानते तब। क्योंकि किडनी हमारे शरीर का एक ऐसा अंग होता है जो हमारे शरीर का जो वेस्ट होता है, अवशिष्ट पदार्थ होते हैं, उनको बाहर निकालने का काम करता है, साथ ही जो खून होता है, ब्लड होता है, उसको शुद्ध करने का भी काम करती है। क्योंकि जो ब्लड होता है उसमें से जो अवशिष्ट पदार्थ होते हैं, जो वेस्ट होता है, उसको अलग करने का काम हमारी किडनी करती है। तो सबसे महत्वपूर्ण कार्य तो किडनी का ही हुआ ना, क्योंकि अगर वो अपना काम अच्छे से नहीं करेगी, अगर वो हमारे शरीर से जो वेस्ट है उनको छानने का काम नहीं करेगी, तो इसकी वजह से हमारे शरीर में वो वेस्ट क्या होंगे, जमा होने लगेंगे। और इस वजह से सिर्फ और सिर्फ हमको किडनी से संबंधित समस्या ही नहीं होगी, बल्कि अदर भी जो हमारे ऑर्गन हैं, हमारे अंग हैं, वो भी प्रभावित होंगे। जैसे हमारा हार्ट हो गया, हमारा ब्रेन हो गया, लीवर हो गया, ये सब भी प्रभावित होंगे। और हमारा जो पाचन तंत्र है वो भी इससे फिर बचा नहीं रह पाएगा, वो भी प्रभावित होगा, और इस वजह से हमको बहुत सारी समस्याएं हो जाएंगी। तो अगर हम बात करें इसके शुरुआती लक्षण की, तो सबसे पहला लक्षण इसमें देखने को मिलता है कि जो एड़ियां होती हैं, पैरों की एड़ी होती है, वहां पे दर्द स्टार्ट होता है। बहुत लोगों को ये शिकायत रहती है कि उनके पैर में जो एड़ी वाला हिस्सा है वहां से दर्द स्टार्ट हो रहा है। तो ये दर्द एक संकेत होता है इस बात का कि आपकी किडनी अच्छे से काम नहीं कर रही है, क्योंकि आपके शरीर में जो वेस्ट प्रोडक्ट है, जिसमें जैसे यूरिक एसिड हो गया, यूरिया हो गया, क्रिएटिनिन हो गया, इसका लेवल बढ़ रहा है, और इस वजह से आपको एड़ियों में दर्द की समस्या होने लगती है। और अगर ध्यान ना दें तो फिर ये समस्या धीरे धीरे बढ़ती जाती है, क्योंकि किडनी सही से काम नहीं कर पा रही है, इसलिए वो शरीर से जो गंदगी है उसको बाहर नहीं निकाल पा रही है। नेक्स्ट इसमें देखने को मिलता है कि जो पंजे होते हैं, पैर के जो पंजे होते हैं, उनमें सूजन देखने को मिल जाती है। तो अक्सर लोग समझते हैं कि ये खून की कमी की वजह से हो रहा है या फिर लीवर की समस्या की वजह से हो रहा है। तो लीवर की समस्या में भी ऐसा होता है, क्योंकि शरीर में खून नहीं बनता है तो एनीमिया हो जाती है, और जब खून नहीं बनेगा तो सूजन होगी, ये एक लक्षण है। लेकिन अगर हम किडनी की बात करते हैं, तो किडनी में जो दोनों पैर के पंजे होते हैं उनमें सूजन स्टार्ट हो जाती है, क्योंकि शरीर से जो सोडियम होता है वो बाहर नहीं निकल पाता। और जब सोडियम का लेवल हमारे शरीर में बढ़ता है तो ये वाटर रिटेंशन जैसी प्रॉब्लम क्रिएट करता है, और इस वजह से व्यक्ति के शरीर में सूजन शुरू हो जाती है, और ये सूजन शुरू होती है पंजों से, जो पैर के पंजे होते हैं वहां से। तो ये शुरुआती लक्षण होता है। नेक्स्ट इसमें थर्ड देखने को मिल जाता है मसल्स क्रैम्प, मतलब कि जो मांसपेशियां होती हैं उनमें बहुत अधिक दर्द और ऐंठन जैसे संकेत देखने को मिलते हैं, जो दिन प्रतिदिन बढ़ते ही जाते हैं। क्योंकि स्टार्टिंग में व्यक्ति इस पे ध्यान नहीं देता, उसको लगता है कि ये कमजोरी की वजह से हो रहा है या फिर अधिक काम करने की वजह से हो रहा है, तो इसलिए व्यक्ति ध्यान नहीं देता। लेकिन जब ये समस्या लगातार बढ़ने लगती है, और जब वो रात पे बिस्तर में जाता है और इस दर्द की वजह से उसकी जो नींद है वो भी अच्छे से पूरी नहीं हो पाती,
तब उसको जरूरत पड़ती है कि उसको डॉक्टर को दिखाना चाहिए, क्योंकि अब ये समस्या आम नहीं है, उसके पैरों में बहुत अधिक दर्द हो रहा है। और फिर उसको पता चलता है टेस्ट के बाद कि उसकी जो किडनी है उसका फिल्ट्रेशन अच्छे से नहीं हो रहा है, किडनी अच्छे से अपना काम नहीं कर पा रही और इस वजह से समस्या बढ़ रही है। क्योंकि जो हमारी किडनी होती है वो हमारे शरीर में बहुत सारे ऐसे इलेक्ट्रोलाइट होते हैं जिनको बैलेंस में रखने का काम करती है, जिनको संतुलित रखने का काम करती है, जैसे सोडियम हो गया, कैल्शियम हो गया, फास्फेट हो गया, इसी तरह से बहुत सारे इलेक्ट्रोलाइट होते हैं। तो अगर हमारी जो किडनी है वो अच्छे से काम नहीं करेगी तो जो ये इलेक्ट्रोलाइट है ये क्या हो जाएंगे, ये इम्बैलेंस हो जाएंगे, मतलब इनमें एक असंतुलन हो जाएगा। और जब किसी भी चीज में असंतुलन होता है तो फिर समस्याएं होती ही होती हैं। तो जब किडनी अच्छे से काम नहीं कर पाती, इसकी वजह से जो मसल्स क्रैम्प हो रहा है, मतलब कि पैरों में जो दर्द हो रहा है, पैरों की मांसपेशियों में जो ऐंठन और दर्द हो रहा है, वो इसलिए होता है कि जो कैल्शियम होता है उसका लेवल कम हो जाता है और वहीं पे जो फास्फोरस होता है उसका लेवल बढ़ जाता है। और इस वजह से व्यक्ति को मसल्स क्रैम्प की समस्या होने लगती है, जो किडनी की ही एक समस्या की वजह से दिखने वाला संकेत है। नेक्स्ट इसमें फोर्थ एंड लास्ट देखने को मिलता है सूखी और खुरदुरी त्वचा, मतलब कि जो स्किन होती है वो बहुत ज्यादा ड्राई हो जाती है। क्यों हो जाती है? क्योंकि जो किडनी होती है उसके अच्छे से फंक्शन ना करने की वजह से जो वेस्ट होता है वो दिन प्रतिदिन शरीर में बढ़ने लगता है। और जब शरीर में वेस्ट बढ़ता है तो इसका प्रभाव हमारे लीवर पे पड़ता है, हमारे जो इंटेस्टाइन है उस पे पड़ता है, हमारे स्टमक पे पड़ता है, मतलब होल बॉडी पूरे शरीर पे पड़ता है। और इस वजह से जो आरबीसी होती है, मतलब रेड ब्लड सेल्स होती है, उनका निर्माण भी प्रभावित होता है, मतलब वो अच्छे से नहीं बन पाते। और जब आरबीसी का निर्माण नहीं होगा तो खून की कमी होगी, और जब खून की कमी होगी तो जो हमारे सेल्स हैं उनको प्रॉपर अमाउंट में खून नहीं मिल पाएगा, और जब खून नहीं मिल पाएगा तो जो न्यूट्रिशन चाहिए, जो पोषक तत्व चाहिए वो नहीं मिल पाएंगे, साथ ही जो ऑक्सीजन की पूर्ति है वो भी बाधित होगी, वो भी कम हो जाएगा। और इस वजह से वहां की जो सेल्स होती हैं, कोशिकाएं होती हैं, वो मरने लगती हैं, डिस्ट्रॉय होने लगती हैं। और इस वजह से जो स्किन होती है, त्वचा होती है, वो रूखी, खुरदुरी, बेजान सी दिखने लगती है, और साथ ही जो उसका एक ग्लो होता है, चमक होती है, वो भी धीरे धीरे खत्म होने लगती है। और इसके लक्षण भी पैरों में सबसे पहले देखने को मिलते हैं। रूखी और खुरदरी स्किन एडवांस किडनी डिजीज का एक सबसे प्रमुख संकेत होता है, तो इस पे हमको ध्यान देना चाहिए। अगर किसी भी व्यक्ति में ये चार लक्षण दिखते हैं कि उसके पैरों में दर्द हो रहा है, खास करके जो एड़ी वाला हिस्सा है, इसके अलावा जो पैर के पंजे हैं उसमें सूजन हो रही है, पैरों में दर्द हो रहा है, और जो त्वचा है, स्किन है, वो बहुत ज्यादा सूखी, खुरदुरी, बेजान सी हो रही है, तो फिर वहां पे उसको तुरंत डॉक्टर से संपर्क करना चाहिए, क्योंकि ये उसके स्वास्थ्य के लिए अच्छा नहीं है। तो आई होप कि आज की वीडियो से आपको बहुत कुछ सीखने को मिला होगा। मिलते हैं अपने नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू सो मच।